हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेजोनेंट स्टडीज। मेरा नाम है कुशाग्र, आप सभी का टीचर और दोस्त। आज का टॉपिक है व्हाइट फंगस इन कोविड पेशेंट्स। अब देखो दोस्तों, हमारा प्यारा देश भारत अभी कोरोना और ब्लैक फंगस की डबल महामारी से जूझ ही रहा था कि उतने में व्हाइट फंगस नाम की ये नई बीमारी आ गई। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है व्हाइट फंगस, क्यों ये इतना खतरनाक माना जाता है, क्या है इसके सिम्टम्स, ह्यूमन बॉडी में ये कैसे फैल रहा है और इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, और डिटेक्ट कर लिया तो इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं। वैसे तो मैं आप सभी को पूरा वीडियो देखना ही रेकमेंड करूंगा, लेकिन अगर कोई इन छह टॉपिक्स में से कोई स्पेसिफिक टॉपिक देखना चाहता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इन सभी टॉपिक्स के टाइम स्टैम्प्स मेंशन किए हुए हैं, उन पर क्लिक कीजिए और स्पेसिफिक टॉपिक को देख लीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रेजोनेंट स्टडीज को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों से इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट करें। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, वो है व्हाट इज व्हाइट फंगस। मतलब भाई, व्हाइट फंगस ये क्या चिड़िया है, क्या होती क्या है ये? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, व्हाइट फंगस जो है ना, सुनकर हंसी आएगी। दोस्तों, ये सबसे कॉमन फंगस है जो हमारी सराउंडिंग्स में मिलता है। ये हमारे कहाँ का मिल जाएगा? ये हमारे प्लेसेस सच एज गार्डन्स में, ओपन वाटर सोर्सेज हैं, प्लांट सॉइल है, ह्यूमन ईयर्स यानी हमारे कान की जो मैल होती है ना, उसमें भी ये मिल जाता है। और मज़ेदार बात ये है कि ये कभी कभार ही, बहुत ही कभी ऐसा कुछ होता है कि ह्यूमन काइंड को ये कोई नुकसान पहुंचाता है, और जब कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो भी शायद ही कभी जानलेवा हुआ है, मैंने तो आज तक सुना नहीं। तो अब जब मैंने कहा कि ये इतना कॉमनली पाया जाता है, तो यानी कि भाई व्हाइट फंगस तो हर घर में अवेलेबल होगा और इससे हर किसी की मौत होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका कारण क्या है? देखो, फंगस जब से डेवलप हुए ना, जितने भी करोड़ों सालों से ये धरती पर अवेलेबल हो, चाहे व्हाइट हो चाहे ब्लैक हो, कोई भी फंगस हो, ये कभी भी ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और इसका कारण है कि भाई हमारी इम्यूनिटी जो है ना, वो इतनी इवॉल्व और सोफिस्टिकेटेड है। हालांकि ये प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अब बात आती है आगे की, और वो है कि फंगस के अटैक्स ह्यूमंस पर पॉसिबल हैं। लेकिन भाई कब पॉसिबल हैं? जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाए, ठीक है, तभी फंगस ऐसा होता है कि हमारी जो है इम्यूनिटी सिस्टम को ब्रीच कर लेता है और हमें बीमार कर देता है, और अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो अब आप सभी के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, ब्लैक फंगस है और वाइट फंगस है, इन दोनों में खतरनाक कौन ज़्यादा है? तो भाई जान लो, ब्लैक फंगस जो था ना, वो आइज और नोज पर अटैक करके आपको सस्ते में निपटा देता था। लेकिन अब बात आती है व्हाइट फंगस की, तो व्हाइट फंगस कुछ नहीं छोड़ेगा। व्हाइट फंगस लंग्स हो गया, आपके अदर बॉडी पार्ट्स हैं जिसमें नाखून हो गए, खाल हो गई, पेट हो गया, किडनी हो गई, ब्रेन हो गया, और प्राइवेट पार्ट्स और माउथ तक को भी ये नहीं छोड़ेगा। यानी भाई पूरी फाइल निपटना तय है, देख लो। तो मजाक से हटके व्हाइट फंगस को लेकर यही सारे जो सिम्टम्स बताए ना, नेल्स हैं, स्किन है, स्टमक है, किडनी है, ब्रेन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, वहीं पर आपका जो ये ब्लैक फंगस है ना, इसको लेकर ये आपके आईज और नोज ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, ये सारे जो सिम्टम्स हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लिया जाए तो ये जो व्हाइट फंगस वाले केसेस हैं ना, यही डॉक्टर्स को चिंता में डाल रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि भाई अभी तो 4 केसेस ऐसे सामने आए हैं, और केसेस आ गए तो भाई हम क्या करेंगे? डॉक्टर्स डरे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग पूछ रहे हैं भाई इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो आइए बताता हूँ आपको इसके सिम्टम्स क्या हैं। हिंदी में एक कहावत है, गरीबी में आटा गीला, वो यहाँ पर चरितार्थ होती है। कैसे? आप व्हाइट फंगस और कोविड के बीच के फर्क को ऐसे बता ही नहीं सकते। दोनों के सिम्टम्स बिल्कुल डिक्टो सेम लगेंगे, बस फर्क कैसे और कब पता चलेगा? जब भाई आपका सीटी स्कैन या एक्सरे होगा, इसमें निकल कर आएगा ये कोविड है या आपके व्हाइट फंगस। व्हाइट फंगस के प्रिवेंशन के लिए डॉक्टर अभी कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक भाई देखो 4 ही केसेस आए हैं, कुछ ज्यादा पता तो चला नहीं है। लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये फंगस जो है ना, वो मोस्टली हॉस्पिटल्स में फैल रहा है, और किसके केस में फैल रहा है? जिन पेशेंट्स की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है। और इसीलिए डॉक्टर्स का क्या कहना है, जो ऑक्सीजन टैंक्स हैं और आपके वेंटिलेटर्स हैं, इनको प्रॉपरली बहुत अच्छे से साफ करो, इनको क्लीन करके रखो, जितना भी मेडिकल इक्विपमेंट है पेशेंट्स की सेवा के लिए यूज़ किया जा रहा है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आपको मैं और ऐसे कंटेंट्स लाकर देता रहूं। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।